उसका नुकसान करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है, तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी मेरी जुआनी के माध्यम से अपनी सफलता कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे, और जिसको योजना का लाभ मिला और कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा का पूरा वह मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं, और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा, और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए, एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने, भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा, तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंच प्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर वोकल, हम
माने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो हमारा कारीगर हो, इनके कार्य को सम्मान देते हुए इसे आगे बढ़ाना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और पीएम विश्वकर्मा या पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उसी क्रम में लागू के लिए योजना, गुलामी के अंशों को सुगमता समाप्त करना। हम गुलामी की मानसिकता से नहीं जीत सकते कि यूरोप और अमेरिका में अच्छा, दुनिया में अच्छा, हमारा खराब, ये नहीं हो सकता। हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का है, और अगर कहीं कोई कमी है उसका परिमार्जन करके उसको उत्कृष्टता बनाने का कार्य करेंगे। यह है गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का एक पक्ष, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। आपने देखा होगा विरासत पर गौरव की अनुभूति, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विजन दिया गया था हर घर तिरंगा का, एक कार्य दिया गया था हर उस परिवार के साथ मिलिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, देश की सुरक्षा में कार्य करने वाले जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको सम्मान दो और साथ साथ अपने पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, ये भारत के विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भाइयों बहनों, भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था? अयोध्या लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में से लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कभी मैं अयोध्या में जहां अयोध्या में पहले ये गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप फोन की कनेक्टिविटी दे दी। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल एंड मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के डबल यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ इनलाइन वाटरवे अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा, यही है विरासत का सम्मान। एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विस्थापन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है
और इन सब को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है, पहला देश फिर पार्टी और फिर व्यक्ति का हित। अंत में आता है और उसके लिए कार्य करना, निरंतर प्रयास करना। आज जब हर ओर से सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सारे कार्य हो रहा है, तो भाइयों बहनों हमें इस बात को मान के चलना चाहिए, हम सब इस नए भारत में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें निरंतर मिलकर के कार्य करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संकल्प है और इसी संकल्पना के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, सत्र के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में वो कर्फ्यू रखता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए, अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों यही है मैं उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। संत और भड़ियाल हो जाते हैं, कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया और यही नया उत्तर प्रदेश है। पहले रोजगार के नाम पर एक परिवार पूरे प्रदेश में जा जाकर के वसूली करके हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता था और अंततः कोर्ट को नियुक्ति में स्टे देना होता था। हमने पिछले 6 वर्ष में भाइयों बहनों 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1,75,00,000 से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार दिए। 96,00,000 एमएसएमई यूनिट जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, उसे पुनर्जीवित करके देश का एक ब्रांड बनाया है। आज रोड़ी ओपी की बात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात पूरे देश के अंदर हो रही है। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन सवारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा थे। आज उनको गले में तख्ती लटका जाना होता कि साहब एक बार जान बकस्त हो, आगे से कोई कुछ भी सवालत नहीं करेंगे। आज हर लक्ष्य में हर व्यक्ति कहीं भी आ जाइए, उत्तर प्रदेश से बाहर आ जाइए, आज आप बोलिए उत्तर प्रदेश से है, हर व्यक्ति के चेहरे में खुशी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश वाह, उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। भाइयों बहनों यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा,
अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तव्यों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम